अब हमारा अगला टॉपिक है मेटलर्जी। देखो मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब देखो जो नेटिव मेटल्स है जैसे कि कुछ मेटल्स गोल्ड प्लैटिनम जैसे जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, दोज एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट, उनकी बात अलग है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑकर इन द कॉम्बिनेशन, आई मीन इन कंबाइंड स्टेट। सो द मेटल्स विच ऑकर इन कंबाइंड स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट आर नीडेड टू बी एक्सट्रैक्टेड फॉर अवर सेक, तो उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाना चाहिए। सो व्हाट इज मेटलर्जी एक्चुअली, इट इज द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, याद रखो द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एडॉप्टेड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। उस प्रोसेस को आप लोग मेटलर्जी कहना चाहिए। सो मेटलर्जी एक साइंस है जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इस चीज की स्टडी करते हैं। सो और एक चीज आप याद रखें, सो मेटलर्जी मेटलर्जी डील्स विथ मेटलर्जी डील्स विथ द स्टडी ऑफ आइसोलेशन, स्टडी ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी खाली आइसोलेट करने का काम नहीं है, आइसोलेटेड मेटल को रिफाइन करने की भी आवश्यकता होती है, यानी उसका प्यूरिफिकेशन भी हम लोग मेटलर्जी में ही स्टडी करते हैं। अब बच्चों बात यह है कि मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस तीन किस्म के होते हैं। सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। अब जो टोटल मेटल्स पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है उनको हम लोग तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई द मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल इन थ्री डिफरेंट क्लासेस, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, कुछ मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे और कुछ मेटल्स लेस रिएक्टिव होंगे। तो अलग अलग मेटल के अनुसार हम लोगों को अलग अलग मेटलर्जिकल ऑपरेशंस एडॉप्ट करने होंगे इन ऑर्डर टू आइसोलेट दोज मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड टू रिफाइन एज वेल। सो उस आधार पर मेटलर्जिकल ऑपरेशंस जो है, यानी मेटलर्जी को तीन हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट टाइप इज पायरो मेटलर्जी। सबसे पहला क्लास हम लोग बता सकते हैं पायरो मेटलर्जी। देखो पायरो मेटलर्जी बोले तो हाई टेम्परेचर पे मेटल का एक्सट्रैक्शन। तो इसमें होता क्या है, हम लोग मेटल का ओर लेते हैं, मेटल ओर को यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे आइसोलेट करेंगे या रिड्यूस करेंगे, यानी उस ओर में से मेटल को रिड्यूस करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम लोग पायरोमेटलर्जी कह सकते हैं। सो रिडक्शन रिडक्शन ऑफ ओर यूजिंग यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। इसको आप लोग पायरो मेटलर्जी कह सकते हैं।
अब वो कौन से मेटल्स हैं जिन्हें हम लोग पायरोमेटलर्जी से आइसोलेट करेंगे? याद रखना, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके आइसोलेशन के वक्त हम पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस को एडॉप्ट करते हैं। तो याद रखें, सो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय पायरो मेटलर्जी। ये चीज हमें समझना होगा। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में आएगा जिंक, उसके बाद आयरन, क्रोमियम, इन जैसे जो मेटल्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं और उन्हें हम लोग पायरोमेटलर्जिकल ऑपरेशन से आइसोलेट करते हैं। अब पायरोमेटलर्जी के बाद सेकेंड वेराइटी हैपन्स टू बी हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रो मेटलर्जी। अब देखो, हाइड्रोमेटलर्जिकल जो ऑपरेशंस है, नॉर्मली वी एडॉप्ट हाइड्रोमेटलर्जिकल ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। यानी ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है उन्हें हम लोग नॉर्मली हाइड्रोमेटलर्जिकल ऑपरेशन से ही बाहर निकालते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। अब इसमें होता क्या है, उनका सॉल्ट लो, यानी जो उनका ओर होगा, सो उसको क्या करने की आवश्यकता होगी, सूटेबल यानी एक्वियस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करो। किसका? सॉल्ट का, मेटल का जो सॉल्ट होगा उसका एक्वियस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करो, और उस एक्वियस सॉल्यूशन में से मेटल को आपको रिड्यूस करना होगा यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। सो याद रखो, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन, फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। इसको आप लोग कहेंगे हाइड्रो मेटलर्जी। अब हाइड्रोमेटलर्जिकल ऑपरेशन से नॉर्मली हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कराते हैं। याद रखो, सो फॉर एग्जांपल, लेस रिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है उनको हाइड्रोमेटलर्जी से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब तीसरी जो वैरायटी है वो होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो मेटलर्जी। याद रहे, इलेक्ट्रो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आर एडॉप्टेड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, ऐसा मेटल जो बहुत रिएक्टिव हो, उसको अगर आप आइसोलेट करना चाहते हैं फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जिसे हम ओर कहेंगे, तो वैसे में हमें इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस को एडॉप्ट करना होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आप मोल्टन सॉल्ट लोगे विच हैपन्स टू बी द ओर ऑफ द मेटल, और उसको सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज करोगे, यानी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराओगे टू गेट मेटल। सो इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड मोल्टन सॉल्ट ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गेट मेटल। ऐसी बात है। अब इसमें हमें समझना होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। याद रखे, सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर
extracted by this method. अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल बता सकते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम लोग नॉर्मली बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं. बॉक्साइट हैपन्स टू बी द लीडिंग ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करा के हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट मेटलर्जी एंड इट्स टाइप्स.